ढाई फुट लंबे 32 वर्षीय अजीम मंसूरी ने आखिरकार बुधवार को शाम को अपना सपना सच कर ही लिया जब उन्होंने 2 फुट लंबी बुशरा से उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक समारोह के दौरान शादी की। अजीम मंसूरी कई वर्षों से दुल्हन की तलाश में थे क्योंकि उनके लिए उनकी लंबाई के कारण एक मैच ढूंढना मुश्किल था। अपनी शादी को लेकर मंसूरी ने कई बार राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क किया था। 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी संपर्क किया ताकि उन्हें दुल्हन खोजने में मदद मिल सके। शादी को लेकर उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से मेरे जीवन में यह क्षण आया है, यह एक खुशी का अवसर है और मैंने अपने इलाके से सभी को आमंत्रित किया है। मंसूरी जो एक कॉस्मेटिक स्टोर चलाते हैं और कैराना स्थित परिवार के 6 भाई बहनों से सबसे छोटे हैं, ने शामली में एक भव्य शादी की। शादी में बहुत भीड़ थी, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। शेरवानी पहले मंसूरी ने कहा, मुझे खुशी है कि मेरा सपना अब पूरा हो रहा है। मैं अपने शादी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है क्योंकि मैं उनको भी शादी में बुलाना चाहता था। मंसूरी ने पिछले साल मार्च में अपने सपनों की लड़की से मुलाकात की और अप्रैल 2021 में बुशरा से सगाई कर ली। बुशरा ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इस जोड़े ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। अजीम अजीम बहुत सारे गुरु, मैं भी दिल से गुरु मेरे बड़े वाले वाले बेटी को एक है अल्लाह बाग के लिए जनी को रहा के चल अल्लाह बाग के लिए जा मेरी दुल्हन मेरे गला रहा उनको टाइम नहीं मंडली को उन अगले रियादों को उनके उनके पिता का इंतकाल हुआ डेड बोली अगले तो को डैम नहीं आधा अगले रियादों मिले ब्याह में जरूर बक्का अगले की वजह मुलायम जिन की वजह से आया नहीं वो जी मेरी ख्वाहिश बहुत कुछ बोली बहुत सारे अल्लाह पाक ने बहुत ख्वाहिश बोली कली बहुत बड़ा कले मैं अल्लाह पाक मेरी दुआ को बोल कले अल्लाह पाक ने।